पश्तो में भी समझो, दाग ये नसीहत दी। अस्सलाम वालेकुम, ग्रोसरी पढ़ने कल एक सवाल कर रहा था, उसको फाइफो प्रियोडिक और फाइफो परपेचुअल नहीं, एफ को प्रियोडिक से कर दिया था। कल जो सवाल किया था उसकी कैलकुलेशन में कोई भी कैलकुलेशन, कोई प्लस माइनस, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई एतराज, कोई तकलीफ? फाइफो परपेचुअल परपेचुअल में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्ड्स किए जाते हैं अपडेट, और उससे ये पता चलता रहता है हर वक्त कि कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो इसके लिए ना एक टेबुलर वर्किंग करनी पड़ेगी। आपने हो सकता है कोई एक आधा कॉलम कम ज्यादा पढ़ा हो, बहरहाल एक मुनासिब सा फॉर्मेट बता रहा हूं। एक डेट का कॉलम, एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम, और उसके बाद तीन तीन कॉलम्स के तीन सेट, टोटल 11 बन गए ना, यानी तीन तीन के तीन सेट, 9 हो गए और एक और एक। जी पूछे। क्या करना है भाई? ये क्या है, क्या करूं, तेज कर लूं? यहां से तो फुल ही है, नहीं कम आ रही? आप नीचे ही थे, आप वहीं थे, वहीं से आए, आप आ ही नहीं रही या कम आ रही है? नौ कॉलम, 10, 11, 11, बस ठीक है, 11 कॉलम बना देते हैं। तीन तीन कॉलम्स के तीन सेट है, यूनिट्स, रेट और अमाउंट, और एक कॉलम है सेट इशू, यूनिट्स, रेट और अमाउंट, और एक है बैलेंस, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। लिखना है तो लिख दे ऊपर डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स, नहीं तो कोई बात नहीं। ये 11 कॉलम हो गए, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यही तीन बार रिपीट हुई है बात, रिसीट्स, इशू और बैलेंस लिखा हुआ है। ये सारा एक फ्रेम है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग पोजीशन ये है कि 1 जून 22 को ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था कितना, 200 यूनिट्स पड़ा हुआ था, यानी बैलेंस में था 200 यूनिट्स 50 वाले, यानी 10,000 रुपए के। हर ट्रांजेक्शन के बाद ना इसको लाइन लगाते जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ जी? ठीक है,
क्या ट्रांजेक्शन हुई? क्या डी क्या हो रहा है? क्या फिर चेंज कर लेते हैं आप? नहीं क्यों बार बार चेंज करना है आपको? रूम ऑफ कर रहे हैं ठीक है चलो नहीं आपसे नहीं वो देखा आप जैसा उनसे पूछ रहा हूँ मुझे स्क्रीन जिनका जिनका मसला आपके मसले की इधर रुका हूँ अच्छा चेंज हो क्यों रहा है क्यों ब्लर हो गया क्यों किया क्यों कर क्यों रहे हैं जूम में चार तारीख को क्या हुआ परचेज कितना यूनिट अच्छा ये जो रिसीट्स इशू और बैलेंस लिखा हुआ है ना ये स्टोर में बैठ के सोचे इसको यानी स्टोर के रिकॉर्ड है ना तो स्टोर पॉइंट ऑफ वैसे रिसीट्स का क्या मतलब है स्टोर में यूनिट्स आ रहे होंगे इशू स्टोर से जा रहे होंगे बैलेंस स्टोर में कितनी टोटल नहीं स्टोर में रहे कितने गए बैलेंस मतलब बाकी कितने रह गए तो चार तारीख को कितने यूनिट्स 600 कितने वाले 33,000 अच्छा फाइफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो वो तभी कर सकेंगे जी क्या हो गया ब्लर हो गया बिल्कुल वो बताओ तुझे नया चलो कि नहीं अच्छा ये वो क्यों रहा है मतलब तो जूम इन क्यों कर रहे हैं जूम इन करते हैं तो ये ब्लर हो जाता है मतलब खोल अच्छा ये नीचे वाले रूम में भी ब्लर हो जाता है या सिर्फ इन स्क्रीन पे हो रहा है अच्छा फाइफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में है? फिर ब्लर हो अच्छा चले देखें मैं जो यहां लिख रहा हूं ना वो मैं बोल भी दूंगा नीचे वाले देखो यार जाके नीचे भी ब्लर हो रहा है या इनकी वायर में मसला है फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो जो पहले रखे होंगे वो पहले बेचेंगे तो अब ये 200 पहले थे 600 और आ गए तो 800 हो गए लेकिन इनमें से कैसे पता कि पुराने कौन से नए कौन से हैं तो फिर ना बड़े छोटे की तमीज रखनी पड़ेगी और जब भी नए यूनिट्स खरीदेंगे बैलेंस में ख्याल रखना पड़ेगा कि पहले वाले पहले और उसके बाद वाले उसके बाद तो बैलेंस में है 800 यूनिट्स लेकिन वो 800 इस तरह से लिखे एक जगह से क्या बना नहीं ना हमें पता कैसे चलेगा पुराने कौन से तो नए पुराने को अलग अलग रखना है ऊपर कैसे पता है जब 10-12 लाइनें आ जाएंगी तो कैसे पता चलेगा तो जब भी नए खरीदेंगे इस तरह से एडजस्ट करना है कि पुराने वाले पहले और जो नए आ रहे हैं वो फिर बाद में नेक्स्ट सेल हो गई कब 9 तारीख को हो गई सेल अच्छा जब सेल हो रही है तो फिर स्टोर से यूनिट्स इशू आउट हो रहे हैं
यहाँ कितने यूनिट्स, चूंकि फाइफो है तो पहले पुराने वाले यानी 350 पहले ये वाले हैं जिनको निकालना होगा, तो 250 वाले और 150 इनमें से 10,000 8250 इनमें से 200 तो गए, 600 में से 150 गए, तो बाकी रह गए 450। नेक्स्ट परचेज 400 यूनिट्स खरीदे हैं 58 वाले 23200। अब इनको स्टोर में लाएंगे तो पहले 450 फिर उसके बाद 400 फिर उसके बाद सेल 18 तारीख को 450। अब ये जो 450 है ये वाले गए, और रह गए यही वाले 400। फिर दोबारा सेल हुई कब 24 200 यही वाले इन्हीं में से 258 वाले 11600। तो बाकी भी इनमें से आधे 200 ही रह गए। और फिर 29 को परचेज ₹180,62,11,60। 200 ये पहले पड़े हुए हैं और 180 और आ गए। ये फाइव परपेचुअल, ये हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस अपडेट होता जाएगा, लेकिन बड़े छोटे की तरह, जो पहले वाला है वो पहले, बाद वाला बाद में। जी नोटेड। रिक्वायरमेंट क्या थी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो हमें यहीं से सारी चीजें मिल रही हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गए यही जो एंड पे बचे हुए हैं वो 200 और 180, ये 11600 और 11,260,22,760 ये क्लोजिंग स्टॉक है। और दूसरी चीज पूछी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो ये है क्योंकि जो सेल हो रहे थे ये वो है जो सेल हो रहे थे और ये उनकी कॉस्ट है, तो इन सबको मिला लेते हैं, यानी 10,080,250,24,750,11,600 यही वाले जो सबसे आखिर में बचे रह गए थे, बस यही क्लोजिंग स्टॉक है, इनकी अमाउंट को ऐड कर लें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, और ये जो इश्यू हो रहे थे सेल हो रहे थे तो इन सबको ऐड कर लें, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हो गया फाइफो परपेचुअल, इसको पूरा नोट कर लें तो मैं वेटेड एवरेज करता हूं। Thank you.
क्या किया है? मैंने ये किया है कि ये सारा बैलेंस है तो महीने के एंड पे कितने बच गए, इन्हीं को ऐड कर ले, ये क्लोजिंग स्टॉक ही बच गया ना, तो इनको ऐड किया तो ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई, फिर कॉस्ट ऑफ सेल यानी जो बिके उनकी कॉस्ट, तो ये है जो बिके हैं और ये इनकी कॉस्ट है, तो इन सबको ऐड कर दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। जल्दी जल्दी इसमें पूछे जो नहीं समझ आया देखते हैं इधर किधर वो जो है लिखा हुआ बड़ी देर लगा दी है एफ को परपेचुअल ये टेबल होता है ये थोड़ा सा जो रह गया था टेबल हो गया वेटेड एवरेज पीरियोडिक में क्या कर रहे थे, पीरियोडिक में एक पूरे महीने में जितने इंस थे उन सब का एक एवरेज निकाला, ये एवरेज रेट कब कैलकुलेट किया, मंथ एंड पे ना, क्योंकि तभी तो सबको शामिल करके एवरेज निकाला। अच्छा वो एवरेज किया मंथ एंड पे यानी पीरियड एंड पे, तभी वो पीरियोडिक है। परपेचुअल में क्या होगा, हर ट्रांजेक्शन पे साथ साथ अपडेट करते जाएंगे रेट, तो परपेचुअल वेटेड एवरेज में जैसे जैसे रेट चेंज हुआ करेगा साथ साथ उसका एवरेज अपडेट कर लेंगे। जैसे ये 600 यूनिट्स आए, अब चूंकि एवरेज सबको एक जैसा कर देना है तो अब 200 और 600 अलग रखने की जरूरत ही नहीं, अब हम कहेंगे कि 200 पहले थे 600 और आ गए, ये हो गए 800, 10,000 रुपए के पहले थे 33,000 के और आ गए 43, तो बस अब ये 43,000 800 यूनिट्स की है, तो एक की डिवाइड कर लें 50.75, जो मिलते जाएंगे साथ मिलाते जाएंगे यूनिट भी अमाउंट भी और नया एवरेज रेट निकाल लें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 तारीख को होगी सेल। अच्छा अब ये जो सेल हुई है ये किन में से है, बस इन्हीं में से है क्योंकि अब तो सब एक जैसे हैं, तो इन्हीं में से कितने 353.75 वाले 188 1 2.5 3 कर लें 2 कर लें 2 कर लें चले कितने रह गए 450 यही 53.75 वाले ही 241 65 88 किधर है कौन है कहाँ है जी जी ये कैसे निकाला है काला वाला कि नीला वाला है नहीं ना ये पूछना है कि ये पूछना है 10,000 रुपए के पहले यूनिट्स मौजूद थे 33,000 के और आ गए तो टोटल कितने रुपए के हो गए
एंड कर लिया, 200 यूनिट्स पहले थे, 600 यूनिट्स और खरीदे तो स्टोर में कितने होंगे 800। अब अगर 800 यूनिट्स इतने के हैं तो एक कितने का, इसको इससे डिवाइड करने ही आ गया। फिर इसके बाद परचेज किए कब, 13 को 400 यूनिट्स 58 2300। स्टोर में पहले 450 थे, 400 और खरीद लिए 850 हो गए, 24 के पहले थे 23 के और खरीद लिए 47388 हो गए। अब ये टोटल इतने रुपए के यूनिट्स हो गए, इतने तो एक कितने का, दिस डिवाइडेड बाय दिस 55.75। क्या जी 55.75, एक मिनट खड़े करें, सवाल है मुझे सुनाई नहीं दिया। ₹24,000 की इन्वेंट्री मौजूद थी, लेकिन इस ब्लैक वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, इतने रुपीस के यूनिट्स और खरीदे, 450 यूनिट स्टोर में थे, 400 और खरीदे, तो अब इनके स्टोर में आने के बाद अब पोजीशन क्या है, 850 यूनिट्स हो गए ये अमाउंट, ये और ये समझ आ गया। बस अब इतने यूनिट्स इतने रुपए के हैं तो एक कितने का है, दिस डिवाइडेड बाय दिस 5.75। अच्छा, जो मैंने कल वेटेड एवरेज का फार्मूला लिखवाया था, असल में मैं अब भी फार्मूला वही लगा रहा हूं, उसमें क्या किया था, जो ओपनिंग पहले पड़े थे प्लस परचेज की अमाउंट मिलाई डिवाइडेड बाय जो ओपनिंग यूनिट्स पहले पड़े थे और परचेज के यूनिट्स मिलाए, अभी भी यही कर रहा हूं। ये 47 कैसे बना है, ये 47 कैसे बना है, जो पहले पड़े थे उनकी अमाउंट प्लस जो खरीदे उनकी अमाउंट, ये 850 कैसे बना, जो पहले पड़े थे वो यूनिट्स प्लस जो और खरीदे थे वो यूनिट्स, और इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो फार्मूला अब भी वही लग रहा है, बस पहले पीरियड एंड पे टोटल ट्रांजेक्शन का लग रहा था, अब हर ट्रांजेक्शन के बाद लग रहा है 55.75। फिर इसके बाद कितने बेच लें, 80 यही पड़े हुए तो बस ठीक है, यही बेच दिया 450 55.75 वाले 2508। इनमें से कितने बेच लिए तो बाकी 400 है, 55.75। फाइफो में फर्क ये है कि फाइफो में बैलेंस करते हुए यूनिट्स फर्क रख रहे थे, जो डिफरेंट रेट वाले थे उनको अलग अलग ही रख रहे, जबकि एफओ के अंदर सबको मिला के एक जैसा कर दिया। फिर आगे 24 को हो गई सेल, कितने यूनिट्स इनमें से दो, तो 200 बेच दिए 55.75। अच्छा, वैसे कभी कभी हो जाती है कंफ्यूजन, हो सकता है आप में से कोई ये सोच रहा बैठ के कि ये इतने रुपए के बेचे, इतने रुपए के बेचे नहीं है, बेचे तो हो सकता है 250 रुपए का एक बेचा हो, हम यहाँ पर जो रिकॉर्ड रख रहे हैं वो उनकी कॉस्ट का रिकॉर्ड रख रहे हैं, कि जो बैलेंस में थे वो उनकी कॉस्ट क्या थी, जो बेचे वो कितनी कॉस्ट वाले थे जो बेचे, तो कितनी कॉस्ट वाले बच गए, तो ये जो फिगर लिखी हुई है ये इतने के नहीं बेचे, सेल प्राइस नहीं है यहां पर कहीं, क्या रह गया, इतना ही रह गया। और फिर 29 को हो गई परचेज 180 62 111। दोस्तों यूनिट्स पहले पड़े हैं, 180 और खरीदने से ये 380 बन गए, 111150 रुपीज, और इतने रुपए और यूनिट्स खरीद लिए मिला लें साथ 22। ये अब तीसरी दफा बता रहा हूं, फिर सुन ले जिनको समझ नहीं आ रहा, जितने यूनिट्स पहले थे और जितने रुपए के वो थे, जब भी खरीदेंगे वो इनमें आके ऐड हो जाएंगे,
यूनिट्स में यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, रुपीज में रुपीज ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद शक्ल ये बनी कि नए खरीदने की वजह से यूनिट्स हो गए 380 और रुपीज अमाउंट यहां से यहां पहुंच गई है। अब अगर इतने यूनिट्स इतने रुपए के हैं तो एक कितने का है? दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना? 58.71। ये है एफको परपेचुअल, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद रेट अपडेट होता जा रहा है। और जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो यहां कहां से मिल रही है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तीनों कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया 22310 और कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 18812 प्लस 25088 प्लस 5050. अच्छा कल एक बात कही थी, दोबारा सुन ले, राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं। राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर फर्क आ रहा है तो ये कोई गुना वाली बात नहीं है, इस पे कोई नंबर नहीं करते हैं जी। ये जो रेट है ना, ये कॉस्ट, ये बेहतर है दो डिजिट तक, दो डेसिमल, दो डिजिट नहीं, दो डेसिमल तक बेहतर है, दो डेसिमल। ये ट्रेडिंग बिजनेस था क्या मैन्युफैक्चरिंग? कैसे? सेल, सेल हो रही थी, परचेज और सेल हो रही थी, ठीक है। इसको नोट करें, फिर इसी सवाल को मैं मैन्युफैक्चरिंग का बना के बताता हूं कि वो होता तो क्या होता। ये क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट ये है, यहीं से पता चल रही है, और ये बेचे हैं तो इनकी कॉस्ट ऐड कर ली तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी 5-4 कंपनी की मर्जी, दोनों ठीक है, दोनों अलाउड है, जो मर्जी रखें, दोनों सही है, दोनों सही, कंपनी की मर्जी। वो कल बताऊंगा बाकी किससे ज्यादा आता है, ये नोटेड। अच्छा अगर यही सवाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स का होता तो सवाल के डेटा पे क्या फर्क होता? मैंने कहा कि अगर यही सवाल ट्रेडिंग की फिनिश गुड्स की बजाय बिल्कुल इसी पैटर्न का होता, हाँ ऐसे ही होता सवाल, अगर इसी पैटर्न का सवाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स का होता तो सवाल में देखिए क्या फर्क होता। सवाल पे गौर से देखें, मैं अर्ज कर रहा हूं सरकार कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फिनिश गुड्स का सवाल होता और इसी पैटर्न का सवाल होता तो देखें गौर करें क्या फर्क पड़ता। परचेजेस की जगह प्रोडक्शन दी होती, यानी ये कहा होता कि इतने यूनिट्स बनाए इतने रुपए पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर, इतने यूनिट्स बनाए इतने रुपए, तो बस परचेज की जगह प्रोडक्शन हो जाता, बाकी सवाल सॉल्व भी ऐसा ही होता, रिक्वायरमेंट भी यही होती। दोबारा, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स का सवाल हो तो बिल्कुल सेम स्टाइल का सवाल हो सकता है, सिर्फ जहां मैंने परचेज कहा था वहां पर सवाल में परचेज की जगह प्रोडक्शन बताई होती कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे इतनी कॉस्ट वाले, इतने प्रोड्यूस हुए थे इतनी कॉस्ट वाले। अच्छा वैसे पूछ रहा हूं ये कॉस्ट कैसे बनी होती आपको, तो जो दी होती सवाल में ये कैसे बनी होती कॉस्ट, फिनिश गुड्स बना रहे हैं ये 33,000 कैसे बना होता? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, इनको मिला के 33,000 आया होता, इनको मिला के 23,200 आया होता। अगर यही सवाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स पे पूछा जाए सेम स्टाइल तो वो पूछा जा सकता है, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, परचेजेस की जगह प्रोडक्शन आ जाएगा, रिक्वायरमेंट भी सेम होगी, सवाल का सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। चले पहले तो इतनी बात लिखे ना, ये लिखे भी ना, बात याद तो नहीं रहनी। इसी स्टाइल का सवाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फिनिश गुड्स का भी हो सकता था,
सिर्फ डेटा में फर्क ये होता कि परचेजेस की जगह प्रोडक्शन आ रही होती। तो उसका सॉल्व करने का तरीका भी सेम होता और रिक्वायरमेंट भी यही हो सकती थी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी क्या जी? हाँ हाँ, नहीं नुकसान किस बात का? अरे भाई ये जो मैंने यहाँ 53 लिखा हुआ है, 55 लिखा हुआ है, इतने का सेल किया हमने। अच्छा, क्योंकि एक और सारे लोग होश में नहीं होते, मैं सबको दोबारा बता रहा हूँ, सारे सारे के सारे, वो सबसे आखिर वाले, सबसे सबसे बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ ये नीले नीले लिखे हुए, ये 450 यूनिट्स बेच दिए इतने रुपए के, ये सेल प्राइस नहीं लिखी हुई है, ये इन सब की कॉस्ट्स हैं। सेल प्राइस तो है ही नहीं, चले मैं बताता हूँ, 250 रुपए के बेचे हर यूनिट, 250 रुपए का, 250 रुपए हर यूनिट, 250 रुपए हर यूनिट, 250 रुपए का बेचा है ये ना, यहां पर 250 लिख दिया, बेचा है 250 का, लेकिन यहां पर क्या लिखना है? कॉस्ट, क्योंकि ये है ही सारे कॉस्ट के रिकॉर्ड्स। हम लोग कॉस्ट ही तो, मैं कॉस्ट ही तो पढ़ा रहा हूँ, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये सारे रिकॉर्ड्स कॉस्ट पे मेंटेन हो रहे हैं कि इतनी कॉस्ट वाले यूनिट स्टोर में पड़े थे, इतने बेच दिए, इतने बाकी रह गए, सब कॉस्ट लिखा हुआ है। तो ये सेल नहीं कर रहे इतने का, आपको लॉस इसलिए लग रहा है कि 55 का खरीद के इतने रुपए का बेच दिया, नहीं इतने का बेचा नहीं है बेटा। नहीं समझ आ रही, कौन सा लग रहा, नहीं आ रहा, नहीं, ये 53 का सेल नहीं किया है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली बात कहा था लिखने को। अच्छा चले, अब एक और बात लिखें, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल का सवाल होता, सेम सवाल सेम स्टाइल, तो क्या होगा? दोबारा सुन लें, अगर ये सवाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल के स्टाइल पे बना होता तो सवाल में क्या फर्क होता? नहीं, वो तो चलो रॉ मटेरियल ही का होता, सवाल में डाटा जो दिया हुआ है उनमें अंग्रेजियों में क्या फर्क होता? सेल ना दी होती, उसकी जगह पर कंजम्पशन दी होती, इशू दी होती। ये बात समझें दोबारा, देखें जो रॉ मटेरियल है ना उसका भी कोई स्टोर है और जो फिनिश गुड्स है उनका भी कोई स्टोर है, अलग अलग स्टोर है। इसकी मिसाल आपको मैं आमने सामने की मिसाल, चले तंदूर पर रोटी लेने चलते हैं। अब उस तंदूर पे जो आटा पड़ा हुआ है, आटे की कुछ बोरियां पड़ी होंगी, वो उसने शायद कहीं किसी कमरे में ताला लगा के रखी, वो रॉ मटेरियल है, तंदूर की बात कर रहा हूं, वो आटे की जो बोरियां पड़ी हैं वो रॉ मटेरियल है, और जिस रूम में उसने रखी हुई है वो रॉ मटेरियल का स्टोर है। अच्छा, उसकी हो सकता है हिफाजत भी किसी की जिम्मेदारी हो, वो उसने ताला लगा के रखा होता, वरना ये ना पिछले दरवाजे से वो घर में बांटता हो, वो ताला लगा के रखा होगा। अच्छा, जिसकी जिम्मेदारी होगी, आटा गूंदने वाला शायद कोई और शख्स होगा। अब उस आटे को स्टोर से लेके उसको गूंदना, तो गूंदा हुआ आटा और पेड़े बना के रखा हुआ आटा, ये वर्क इन प्रोसेस हो गया, वर्क इन प्रोसेस। और जब रोटियां पक गई वो फिनिश गुड्स हो गई। तो जो स्टोर में पड़ा हुआ आटा है वो रॉ मटेरियल स्टोर है। जब आटा गूंदने वाला उस स्टोर वाले को कहेगा कि आटा खत्म हो गया मुझे और आटा चाहिए, तो इसको कहा जाएगा कि इस रॉ मटेरियल के स्टोर वाले ने आटा यानी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस को इशू कर दिया। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इतना आटा इस स्टोर से निकल के कंज्यूम हो गया। तो अगर यही सवाल रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का होता तो सवाल में क्या फर्क होता? सब कुछ ऐसा ही होता, बस आपको सेल्स की जगह कंजम्पशन या इशू टू प्रोडक्शन कहा होता, बाकी सवाल ऐसा ही होता, परचेज ही आ रही होती इसमें। हाँ, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज ही होता है, तो ये सवाल रॉ मटेरियल का भी इसी स्टाइल का बन सकता था। तो उसमें फर्क सिर्फ इतना पड़ता कि सेल की जगह इशू टू प्रोडक्शन या कंजम्पशन लिखा आ रहा होता। रिटर्न वाला सवाल कर रहा हूं, और एक और चेंज होती, रिक्वायरमेंट में क्या पूछ सकते थे? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हाँ ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं। अब अगर आप ये रॉ मटेरियल का सवाल समझें तो ये क्या है यूनिट्स जो कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो अगर ये सवाल रॉ मटेरियल के स्टाइल का बनाया होता तो एक तो सेल की जगह इशू टू प्रोडक्शन दिया होता, और अगर यही मैंने कहा सेम स्टाइल का सवाल होता तो फिर रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा होता। अगर ये रॉ मटेरियल का सवाल होता तो सवाल तो इसी स्टाइल का होता। अच्छा, मैं ना फिर से बताता हूं,
मैंने ये नहीं कहा कि सवाल बस इसी तरह का ही आ सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। बिजनेस रॉ मटेरियल का होगा तो भी इसी ही तरह का सवाल आएगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने अभी सिर्फ ये किया कि आपको एक बस सवाल कराया, उसी को तीन सवाल बना दिए मैंने कि अगर इसी तरह का सवाल, इसी स्टाइल का सवाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल का पूछा होता तो पूछा जा सकता था। बस सिर्फ फर्क ये होता डेटा में कि एक तो सेल्स की जगह वर्ड इशू टू प्रोडक्शन इस्तेमाल हुआ होता और उर्दू वाला, रिक्वायरमेंट में फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स ना पूछी होती, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा होता कि जितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी कॉस्ट बताएं। सॉल्व वैसे ही करते। सवाल लिखे रॉ मटेरियल का डेटा देखे कैसे पूछेगा, नहीं अब कितना है लेबर कॉस्ट कितनी है प्राइस कितनी, वो तो नहीं ना बताया। सवाल लिखें। अच्छा इसको मैं एक बस रिटर्न्स डाल के ना कल इसका एक सवाल और करूंगा, बस फिर ये बहुत है इस पे नहीं ज्यादा टाइम लगा सकता। रिटर्न्स डाल दूंगा, अभी मैंने रिटर्न्स नहीं बनाई, रिटर्न्स डाल के एक सवाल सामने बोर्ड पे और कर दूंगा और बस फिर ये बहुत है, फिर हम एनआरवी पे चलेंगे। सवाल लिखें जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to finished goods for the month of April. April के महीने की बस कुछ information बता रहा हूं। सबसे पहले opening stock ₹250 at the rate of hotmail.com at the rate of 85 per unit, at the rate of 85 per unit, goods were produced, उसके बाद लिखें goods were produced during the month, goods were produced during the month in batches as follows, in batches as follows. अच्छा तीन चीजें बताऊंगा, batch, units produced, cost of production, batch, units produced और cost of production. पहला है one, batch one, इस महीने में जो पहला batch था, batch one, इसमें बनाए 750 units, 750 750 यूनिट्स और ये टोटल बने 71250 के 71250 71250। दूसरा बैच, दूसरे बैच में बने 1200 यूनिट्स 1200 यूनिट्स और ये बने 120,000 के 120,000 के। तीसरे बैच में बने 800 यूनिट्स 800 यूनिट्स और ये टोटल 84,000 के बने, 84,000 रुपीस के बने टोटल। और चौथे बैच में बने 900 यूनिट्स 97200 चले ये बैचेस वाली बात बस बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखें, ये प्रोडक्शन वाली बात पूरी हो गई, वैसे अगली लाइन लिखें, ड्यूरिंग द मंथ टोटल सेल्स वर 2880 2880 2880 यूनिट्स 2880 यूनिट्स पूरे महीने में इतने यूनिट्स बेचे हैं। रिक्वायर्ड है आपसे, होमवर्क ही रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स यूजिंग
अब यूजिंग में आगे दो पार्ट्स हैं जी जी, मैंने एक कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कहा है, एक कही है कॉस्ट ऑफ सेल्स यूजिंग। अब यूजिंग के बाद पार्ट ए फाइफो और पार्ट बी वेटेड एवरेज। अच्छा परपेचुअल है कि पीरियोडिक दोनों? आप इसमें परपेचुअल लगा ही नहीं सकते। मैंने आपको सेल्स की डेट्स ही नहीं बताई, कुछ सेल्स की डेट्स बताऊंगा तो फिर आप रेट एवरेज कर रहे होंगे ना हर ट्रांजेक्शन के बाद, तो ये नहीं हो सकता परपेचुअल से, ये पीरियोडिक से ही है। तो फाइफो पीरियोडिक से और वेटेड एवरेज पीरियोडिक से, ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स ये करिएगा कैलकुलेट। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।